हेलो स्टूडेंट्स, आज आम कौन पढ़वा ना कार्बोक्सिलिक एसिड विषय पढ़वा। जे कार्बोक्सिलिक एसिड रो यूज कौन हो पारटा को आम किमी प्रिपेयर कर पारिबा, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड रो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन हो पार, नोमेनक्लेचर आम केमी करवा, एंड केमिकल रिएक्शन केमी हो पार, से विषय आम आज पढ़वा। कौट ना कार्बोक्सिलिक एसिड रे पढ़वा। तो फर्स्ट बुझे कार्बोक्सिलिक एसिडा किमी डिराइव होन जाए टॉपिक विषय पढ़वा है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हूँ ना मेनली दुईटा ग्रुप को लेकिन तैयारी, गोटे है तुम कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज सी डबल बोन ओ, या को आम कौन कहवा ना कार्बोनाइल कंपाउंड बोली कहवा, एंड ओ एच ग्रुपटा कौन हो ना कार्बोनाइल कंपाउंड सहित एटाच होकर आम एट ए टाइमली सैमटेनियसली कौन कहवा ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोली कहवा। ओ एच ये अल्कोहल बोली तुम के कहनी, ओ एच को ये आम कौन बोली कहवा ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोली कहवा है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोली आम कह। तो कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट ए टाइम बा कलेक्टिवली आम कौन बोली कहवा ना कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहवा है। यहाँ तुम कौन ना कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक अच्छे। कार्बोक्सिलिक एसिड रो फॉर्मूला मन रखते सिंपली सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच बुझीला। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है कि अच्छी से कार्बोनाइल कंपाउंड कौन करिवे ना गोटे ऑक्सीजन सहित तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करथिबो, एंड आउ गोटे ऑक्सीजन सहित तो जदि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करिछि, एंड पर्टिकुलरली सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोटा छि से हाइड्रोजन सहित तो बॉन्ड फॉर्मेशन करथिबो, ताको ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा। आ ता सहित तो ए जो बॉन्डटा कौन अच्छे ना खाली रही जाठी आम जब कौन यूज करवा अल्काइल ग्रुप ता जगह एटाच करवा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोली कहा जाए। तो नॉर्मली आम केमी रिप्रेजेंट करवा देख, एटा है तुम कार्बोनाइल कंपाउंड ताको आम कहा सहित तो एड करवा ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप सहित तो एड करवा, तो फॉर्मेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड बुझिपारल ना समस्ते। तो एबे आमे कौन पढ़वा ना कार्बोक्सिलिक एसिड केमती डिराइव होता तो आम जानदेले। कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा डिराइव डेरिवेशन है ताठू आम कौन कर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सब डिराइव हो पार, जमीक ये देख तुम कौन एटाच है ना कार्बोनाइल कंपाउंड एटाच है। कार्बोनाइल कंपाउंडटा क्या सहित एटाच होक्सीजेन सहित एटाच होदी से कौन करना सिंपली अल्काइल ग्रुप सहित एटाच है, यहाँ कौन हम आउ गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करिबो दैट इज ईस्टर हैला, एडा कौन फॉर्मेशन कला ना ईस्टर ग्रुप फॉर्मेशन कला। सेमिति देखो जदि आमे कौन करिबा एबे कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है कि अच्छी कहा सहित तो ना अल्काइल ग्रुप सहित तो एटाच है प्रेजेंट है कि अच्छी सी कौन कला ऑक्सीजन सहित तो अगेन एटाच है कि रहला, ए जो ऑक्सीजन कौन करिवो एनदर आउ गोटे कौन कार्बोनाइल कंपाउंड एंड अल्काइल ग्रुप सहित जो एटाच होकर रहा या को आम कौन कहवा ना एसिड एनहाइड्राइड बोली कहवा, एसिड एनहाइड्राइड बोली कहा जाए। यही जो एसिड एनहाइड्राइड कौटू डिराइव होना एगेन कार्बोक्सिलिक एसिड रो ही एसिड एनहाइड्राइडटा डेरिवेशन होती कौन करवा हाइड्रोजन को रिमूव करवा, हाइड्रोजन जगह कार्बोनाइल कंपाउंड एंड दैट कार्बोनाइल कंपाउंड एटाच क्या सहित होता ना आउ गोटे अल्काइल ग्रुप सहित एटाच होताको ही एसिड एनहाइड्राइड बोली कहा जाए। मे बी ए दुटा सेम अल्काइल ग्रुप तुम ये पुट कर और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ये तुम पुट कर सेमती देख। आउ कौन डिराइव कराई दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, जदि ये आम कौन करवा ना ओ एच को रिप्लेस करवा क्या थ्रो रे ना एन एच टू ग्रुप आम रिप्लेस करवा ताको आम कौन कहवा ना एमाइड बोली कहवा है। आउ किसटा जगह देखो तो मैंने एसिड एमाइड बोली कहा जाए। एबे देखो आमे कौन करिवा ना सिंपली एमाइड ग्रुप को आमे रिप्लेस करिवा, कहा द्वारा रिप्लेस करिवा ना क्लोरीन द्वारा आमे रिप्लेस करिवा, तो क्लोरीन देखि जतुले रिप्लेस करिवो ता ना होबो एसिड क्लोराइड हैला, एसिड क्लोराइड
बुझीगला। तो एटा जाक जो चारिटा जाक जो ग्रुप मुझे तुमको कहली ए चारिटा जाक ग्रुप कौट डिराइव होना कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड रु डिराइव होटा कि तुम हाइड्रोजन को नॉर्मली रिप्लेस कर ना मैंने ओएच ग्रुप को टोटली रिप्लेस करके ये सब ग्रुप कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड रु डिराइव कराई जहाँफल कि एमें एसिड एनहाइड्राइड इस्टर एमाइड एसिड क्लोराइड बोली कही था बुझीगला। तो नेक्स्ट स्टेप आम कौन पढ़वा ना क्लासिफिकेशन विषय में पढ़वा। तो देखो क्लासिफिकेशन केतरा टाइप रही कौन कौन अच्छी से विषय में पढ़वा। तो देखो एवं आम कौन पढ़वा ना क्लासिफिकेशन विषय में पढ़वा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दुटा टाइप रही दैट इज फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड है देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच टू द अल्काइल और एराइल ग्रुप बुझेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रे तुमको कौन कही देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एटा है तुम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो कार्बन प्रेजेंट अच्छे तार साइड वाइज रे से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो ना मैंने एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ताको बेस करके कौन है ना गोटे टाइप रो क्लासिफाई है। एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन दि मॉलिक्यूल। तो तुम्हें जो गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड रो जो मॉलिक्यूलटा अटैच कर मॉलिक्यूल रे केतटा नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड माने कौन सी डबल बॉन्ड ओ ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट होतेटा नंबर ऑफ अटैच होकर बेस करके सेकेंड टाइप रो क्लासिफिकेशन है बुझेगा। तो ये आम कौन पढ़वा ना फर्स्ट टाइप रो क्लासिफिकेशन विषय में पढ़वा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच टू दि अल्काइल एंड एराइल ग्रुप। तो देखो तो ये कौन अच्छे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कौटी अटैच हो ना अल्काइल ग्रुप इधर अटैच हो अल्काइल ग्रुप माने कौन तुम इधर आर सहित अटैच हो ना मैंने एराइल ग्रुप को आम कहीं रिप्रेजेंट कर ए आर रिप्रेजेंट कर तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं अटैच हो ना इधर आर रे अटैच हो ना मैंने ए आर रे अटैच हो। तो एबे देखो ये जो दुटा कंपाउंड अटैच हो रही तो आपको बेस करके तुम फर्स्ट टाइप रो जो क्लासिफिकेशन अच्छी अगेन दुटा टाइप डिवाइड होकर अच्छी। तो फर्स्ट वन इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक मीन्स खाली अल्काइल ग्रुप अटैच होकर आम कौन बोली कहवा ना एलिफेटिक बोली कह। तो नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बुझेगा। तो एबे हमें कौन पढ़वा ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विषय में पढ़वा। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कहे ना तुम्हारे जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड रो से कहा सहित अटैच हो ना अल्काइल ग्रुप सहित अटैच हो बुझेगा जार कि जनरल फॉर्मूला हैला आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ना मैंने तुमने सिंपली आर सी ओ ओ एच बोली रिप्रेजेंट कर पारिबो। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कहे ना तुम्हार जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है से कार्बोनाइल कंपाउंड कहाँ सहित अटैच हो एलिफेटिक कंपाउंड सहित अटैच दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप सहित ही अटैच हो जार कि जनरल फॉर्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बा तुमने आर सी ओ एच बोली रिप्रेजेंट कर पार। नेक्स्ट देखो मु तुमको एग्जांपल कहबी तो जेहेतु सी कौन कहला ना एलिफेटिक अटैच हो थो तो तुमने आर जगह सिंपली हाइड्रोजन अटैच कर पार है जहाँ को कि आम फॉर्मिक एसिड बोली कही था फॉर्मिक एसिड बोली कही था ना मैंने आर जगह तुम अल्काइल ग्रुप पुट करो दैट इज सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच तुम रिप्रेजेंट कर पार जार ना है एसिटिक एसिड है सिमिति देखो तुमने मुझे आउ गोटे अल्काइल ग्रुप पुट करुच्ची दैट इज सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये कंपाउंड को आम कौन बोली कहवा ना प्रोपियोनिक एसिड बोली कहवा प्रोपियोनिक एसिड बोली कहवा आक आम प्रोपियोनिक एसिड कहीं कहले से तुमको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेला बेले मुझको कहीदेवि। तो सेठी तो मुझे कहदे फिर भी तुम जानते प्रोप माने कौन ना तीन टा नंबर ऑफ कार्बन जदि अटैच हो गोटे कंपाउंड रे ताको आम कौन बोली कहवा ना प्रोप बोली कहवा। तो ये देखो कंपाउंड रे वन
टू थ्री तीन टा नंबर ऑफ कार्बन अटैच एक रोची तो जहाँ फल कि जो कंपाउंड को हमें कौन कहिबा ना प्रोपियोनिक एसिड बोली कहिबा बुझिपारलो ना। एबे देखो नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रे तुम्हारे जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड रो जो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है से कहार कार्बन सहित अटैच हो ना एरोमेटिक रिंग रो कार्बन सहित अटैच हो। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ये तुम रहा बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग रे कौन अच्छे ना ये जो कार्बन प्रेजेंट ठीक अच्छे से कार्बन टा कार्बोनाइल कंपाउंड रो कार्बन सहित अटैच हो रहा तो ये टाइप रो जदि कंपाउंड तुम मैंने देखु तो या को ही आम कौन बोली कहबा ना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहबा जहाँ कि जनरल फॉर्मूला है AR C डबल बॉन्ड ओ OH एटा है कौन जनरल फॉर्मूला और एठी मते देख मु ब्रैकेट रे रिप्रेजेंट करिची दैट इज AR C डबल बॉन्ड ओ OH एठी मु मते रिप्रेजेंट करिची तो ए टाइप रो कंपाउंड को ही हमें कौन कहबा ना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहबा। तो एठी देखो यार ना कौन हबो दैट इज बेंजीन रिंग रे जेहेतु कार्बोक्सिलिक अटैच है कि अछि सेति पे यार ना हैला बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बुझीला। सेमती देख मनेकर मुझे कौन करी टोलुइन ने भी कहीं ना टोलुइन रे मध्य कौन अच्छी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है तुमने जाथ जे बेंजीन रिंग रे जदि सी एस थ्री एटाच होता टोलुइन बोली कहवा टोलुइन रो अर्थ पोजिशन मुझे देख कार्बोक्सिलिक एसिड एटाच कली तो यार ना हम ऑर्थो कहीं मो स्टार्टिंग रू ही कहली ये ऑर्थो पोजिशन अच्छी ऑर्थो पोजिशन रे मु कौन कली ना COH बा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये अटैच कली तो यार ना हम ऑर्थोटोलुइक एसिड ऑर्थोटोलुइक एसिड बुझीला। सेमिति देखो मने करो ये कौन होना आम टोलुइन नहीं था टोलुइन रे गोटे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जगह मनेकर आम COH ग्रुप अटैच करवा तो यही कंपाउंड रो ना हम फिनाइल फिनाइल एसिटिक एसिड कहीं देख CH3 जदि अटैच हो माने ही आम टोलुइन बोली कहबा तो ये तो सी एस थ्री अटैच है से कौन कला तार गोटे हाइड्रोजन को रिप्लेस कला रिप्लेस करी ता जगह किए आसिक अटैच हो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपटा आसिक अटैच हो जहाँ फल कि फिनाइल ग्रुप रे एसिटिक एसिड ग्रुपटा आसिक अटैच हो तो से तार ना अनुसार आम कौन लिखा ना फिनाइल एसिटिक एसिड बोली रिप्रेजेंट करवा। सेमती देख मनेकर मु कौन करी ना ये आउ गोटे टाइप रो सेमती देख मु कौन करी आउ गोटे एग्जांपल लिखुची दैट इज बेंजीन रिंग अच्छी बेंजीन रिंग रे मु कौन कल ना ये COH ग्रुप अटैच कली अटैच करने सहित तो मेटा पोजिशन रे मु कौन कल ना क्लोरीन ग्रुप तुम जो हेलोजेन मेम्बर अच्छे से हेलोजेन मेम्बर को अटैच कली तो ये टाइप रो कंपाउंड थी मैंने तुम तार ना केमती दब देख एम क्लोरो कहीं मेटा पोजिशन रे क्लोरीन अटैच हो एम क्लोरो बेंजोइक एसिड एम क्लोरो बेंजोइक एसिड तो तुम्हें ये सब जगह एग्जांपल देखो ये सब जगह एग्जांपल रो तुम इजिली आइडेंटिफाई करदेव जे एरोमेटिक रिंग रे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपटा अटैच हो कि रोची जहाँ फल आम जो टाइप रो कंपाउंड्स को कौन बोली कहबा ना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहबा। तो देखो एवे आम कौन पढ़वा ना सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन विषय पढ़वा दैट इज क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है केतटा नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट अच्छे नहीं कि आम क्लासिफिकेशन करवा तो या बेस करके जो क्लासिफिकेशन अच्छे से मेनली तीन टा टाइप डिवाइड होकर अच्छी दैट इज फर्स्ट वन आसला तुम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्ड वन इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। बुझेला
तो देखो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो मीन्स केते ना वन वन प्रेजेंट थी बोले ही आम कौन बोली कहिबा ना मोनो बोली कहिबा। नेक्स्ट आसला देखो डाई, डाई मीन्स केते टू। तापर आसला देखो ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जदि सिंगल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो कंपाउंड रे ताको हमें कौन कहिबा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा। आ जदि गोटे कंपाउंड रे दीटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा। एंड जदि कंपाउंड रे तीनटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो रही आम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोली कहिबा। जिमती कि तुमको एग्जांपल मुझे दूँ देख मन कर आसला कौन मिथाइल ग्रुप अटैच होगा सहित तो? ना कार्बोक्सिलिक एसिड सहित तो अटैच होमें कौन बोली कहिबा ना एसिटिक एसिड बोली कहिबा। प्लस एसिटिक एसिड रे देखो सिंगल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच अच्छी तो से आम कौन कह मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहो। सेमती देखो आ गोटे एग्जांपल दूची दैट इज सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच एट आसला तुम प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो यही कंपाउंड रे मध्य कौन अच्छी ना सिंगल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच अच्छी जहाँफल कि ना है कौन प्रोपियोनिक एसिड है एंड ताको आम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहीपर। नेक्स्ट आसला देख बेंजीन रिंग अच्छी, बेंजीन रिंग रे मन कर ये अटैच कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ कुमें कौन बोली कहचे बेंजोइक एसिड बोली कहचे हेला बेंजोइक एसिड बोली कहचे। तो ये जो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हो देख जे एरोमेटिक रिंग रे तुम सिंगल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो या आम कौन बोली कहिबा ना ये टाइप र कंपाउंड को आम कौन कहिबा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहा। नेक्स्ट एबे कौन देखा ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहाँ को कहा मन कर सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड रे देखो अल्काइल ग्रुप किसी भी अटैच है कि नहीं तो सी कौन करना ना आउ गोटे नंबर ऑफ सी ओ एच ग्रुप सहित तो जदि अटैच होकर रोको आम कौन बोली कहबा ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा। कहीं ये देखो टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होफल कि आम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा। आउ ए कंपाउंड ना है ऑक्सालिक एसिड है ऑक्सालिक एसिड है यार ना। नेक्स्ट देख आ गोटे कंपाउंड मन कर सी एच टू गोटे कंपाउंड अटैच होती कौन कर टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को अटैच करके रखी। तो यही कंपाउंड रे भी तुम मार्क कर जे दीटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होहाफल ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रो एग्जांपल हम आर ना है मालोनिक एसिड, मालोनिक एसिड बुझीला। सेमती देख मन कर सी एच टू प्रेजेंट हो सहित तो गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो सी एच टू ग्रुप आउ गोटे सी एच टू ग्रुप सहित अटैच एंड सी कार्बोक्सिलिक एसिड सहित अटैच होमें कौन कहबा ना ससेनिक एसिड बोली कहिबा, ससेनिक एसिड बोली कहिबा। आ ससेनिक एसिड में तुम मार्क करो जे टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो रही तो जहाँफल या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रो एग्जांपल भावे नहीं पारिबा बुझिपार ना समस्ते। नेक्स्ट देखो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड माने तुम एमती टाइप रोटे कंपाउंड यूज करो कंपाउंड रे कि तीनटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो। फॉर एग्जांपल कार्बन रहिला ए कार्बन कौन कला ना कार्बोनाइल ग्रुप सहित अटैच हो कार्बोक्सिलिक एसिड सहित अटैच होगेन आउ गोटे सैड मन कर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होमती। तो देखो ये सी एच टू अटैच है ये सी एच टू अटैच है तो ये सी एच टू कौन कर गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड सहित अटैच हो एंड ए मध्य आ गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड सहित अटैच हो रो। तो ये मार्क कर पिले
एठी गोटे सी ओ एच ग्रुप एटा छे कि रहिला एठी मध्ये गोटे सी ओ एच ग्रुप एटा छे कि अछि एंड ए कार्बन रे डायरेक्टली मध्ये गोटे सी ओ एच ग्रुप एटा छे कि रहिला तो एठी कोन तीनटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टा एटा छे कि रहूची तो याकू आमे कोन बोली कहिबा ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहिबा आ ए कंपाउंड रो ना हैला साइट्रिक एसिड हैला साइट्रिक एसिड जोटा कि लेमन रे प्रेजेंट हे कि थाए हैला से साइट्रिक एसिड रो फार्मूला हैला एटा जो थरे कि तीनटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टा एटा छे कि थिबो आ सेटा ओटे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रो एग्जांपल मु आ गोटे कंपाउंड मध्ये करी के देखो छी देखो CH2 अगेन CH2 COOH एटा कौन है ना COH एटा छे कि रहिला ए कंपाउंड रे भी तुम्हें मार्क करो 1 2 3 तीनटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एटा छे कि रहूची जहाँ फल रे कि आमे आको कौन कहबा ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रो एग्जांपल कहबा एंड यार ना हैला प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो अभी देखो पिला मैंने प्रोप कहीं कह गला ना 1 2 3 तीनटा नंबर ऑफ कार्बन अटैच है कि अच्छी ता सहित तो तीनटा जगह कार्बन रे कौन अच्छी ना तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है कि रहिला तो से थी पे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ तुम मैंने देखो मत इच्छा ला मु ए टाइप रो नेमिंग कली नंबरिंग कली ठीक हबो आ जदि जणे कहबो जे नै मु ए टाइप रो नंबरिंग करबी सेटा मध्ये ठीक हबो काहेकि ना तीनटा जाक कंपाउंड रे तीनटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एटा छि कि अछि तमे जिमिति भी नंबरिंग करो तार अनुसार ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करबो आ देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड माने तीनटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एटा छि कि रहूची तो सेइथि पे आमे त कोन बोली कहबा ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोली कहबा हेला तो आज हमें खाली क्लासिफिकेशन जाए पढ़ी थी नेक्स्ट क्लास रे मैं नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमको आइसोमरिज्म विषय कहबी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रो नोमेनक्लेचर मध्ये हमें ड्रॉ करिबा।